देख रहे हैं GGS News 24 भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग। आजमगढ़ आखिर क्यों अपने खून से मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहा यह शख्स। जनपद के कंधरापुर थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव निवासी लालजीत यादव, जो शिबली कॉलेज के पूर्व छात्र नेता के रूप में पहचान रखते हैं, वह समाजवादी पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं। आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने रक्त से पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने लिखा है कि उनकी बहन की तबीयत खराब थी, जिसे लेकर वे शहर के प्राइवेट अस्पतालों में गए, जहां पता चला कि उनके 85% किडनी खराब है। डॉक्टरों ने उन्हें लखनऊ PGI के लिए रेफर किया, जहां जाने के बाद उन्हें निराश होकर वापस घर लौटना पड़ा। उन्हें कहा गया कि वर्तमान समय में कोरोना के कारण PGI में कोई उपचार नहीं हो सकता। थक हार कर वह जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और अपने खून से पत्र लिखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है कि उनकी बहन को KGMU या PGI में दाखिल कराएं, अन्यथा उनके छोटे छोटे भांजे अनाथ हो जाएंगे। आइए सुनाते हैं लालजीत यादव ने क्या कुछ कहा। GGS News 24 ब्यूरो आजमगढ़ से सरफराज अहमद की रिपोर्ट। मेरा नाम लालजीत यादव है। चिट्ठी लिखे हैं मुख्यमंत्री जी को और अपने यहाँ के सांसद जी को, किस चीज़ से लिखे हैं ये? मैं अपने खून से आज चिट्ठी लिखा हूँ मुख्यमंत्री जी को, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को और अपने सांसद जी को। मैं अपने खून से ही चिट्ठी लिख करके आज भेजा हूँ, भेज रहा हूँ। क्या ज़रूरत पड़ गई कि आप ये अपनी खून से चिट्ठी लिखें, क्या है ये? हमारी बड़ी बहन है सुनीता देवी, उनकी 2 महीने से तबीयत खराब चल रही थी, तो मैं डॉक्टर सुफीस राय वेदांता हॉस्पिटल 2-3 जगह दवा करवाया और पता चला कि उनकी 85% किडनी डैमेज हो चुकी है, खराब हो चुकी है। डॉक्टर साहब ने बताया, कहा कि आप PGI में या KGMU लखनऊ में ले आके दिखाइए, लखनऊ आप हॉस्पिटल में कहीं बड़े हॉस्पिटल में जा करके इलाज करवाइए, ठीक हो जाएंगी। तो मैं मुख्यमंत्री जी को 2-3 दिन पहले लिखा चिट्ठी, एक एप्लीकेशन भी फैक्स किया, फिर कल अवनीश कुमार अवस्थी सर प्रमुख जी को, जो प्रमुख मुख्य गृह सचिव हैं, उनको मैं जो कि फ़ोन लगाया, तो उनका PA या PRO जो भी फ़ोन रिसीव किए, तो जो है कि इधर उधर घुमा करके फ़ोन काट दिए, कहे कि आप इनसे मिल लीजिएगा, उनसे मिल लीजिएगा। मैं एक बार गया, 2 चक्कर एक बार गया घूम करके आया, फिर गया, फिर वापस चला आया, वहाँ से लोग वापस कर देते हैं, कहते हैं जब तक कोरोना मरीज़ नहीं ठीक होंगे तब तक भर्ती नहीं किया जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सांसद जी हमारी पैरवी करवा करके हमारी बड़ी बहन को वहाँ पर भर्ती करवा दें, जिससे उनका इलाज हो और वह ठीक हो जाए। क्या लगता है आपको कि खून से लिखने से कानों तक बात जाएगी, या बीच में जो आप लोग घुमा रहे हो उनसे हट के आपकी बात वहाँ तक पहुँच जाएगी? मैं तो यही इसीलिए बहुत दुखी हूँ कई दिनों से, कि मतलब कैसे मैं संदेशा पहुँचा पाऊँ उन लोगों के यहाँ, कि वो लोग हमारी बात को सुन लें और हमारे बड़ी बहन को जो है कि इलाज के लिए जारी कर दें, कि मतलब इनका इलाज हो बड़े हॉस्पिटल में और वो ठीक हो जाए। देख रहे हैं GGS News।